कुछ है इस्लामाबाद के इस वाले व्यू के अंदर, ये देखे और यहाँ पे बारिश हो रही है यार। ये देख रही हूँ सुजुकी बोलान जो है पहली बार मैं अपनी जिंदगी में, और ये आगे पराठे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं मोहम्मद राशिद, जैसे कि आप देख रहे हैं आपको पता ही है मेरा चैनल ही देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल राशिद मलिक। और अभी जो है मैं उठ चुका हूँ, उठ तो खैर मैं काफ़ी देर से गया था, लेकिन कहते हैं सुस्ती इतनी कि अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया, तकरीबन 11:30 का टाइम जो है हो रहा है और पिंडी में जो है गर्मी वो भी अरूज पे जो है हो चुकी है। और 11 बजे हमें याद आ रहा है कि हमने नाश्ता भी करना है। नुमान साहब को भी देख लो, नुमान साहब आजकल दूसरे लोगों की बाइक निकालते क्योंकि हमारी बाइक में थोड़ा सा मसला आ गया, वो चलने इसलिए हमने दूसरी मर्सिडीज निकाल ली। तो आपको बताते चले यार, हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए। कौन है ये लोग? और सबसे पहले मैं राउंड टू हेल वालों को ना ज़रा मेंशन कर दूँ, ठीक है? ज़्यादा मैं नंबर नहीं दिखा पाऊँगा, वो समझ जाएंगे। GBB ये उनको समझ आना चाहिए ना, पैरेलल वालों को ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है? तो हम चल रहे हैं यार यहाँ से नाश्ता करने, लेकिन अभी हमें सोचना भी पड़ेगा कि हमने पराठा खाना है या फिर हमने क्या खाना है भाईजान। रोटी, क्योंकि टाइम जो है वो ऑलमोस्ट, वो कहते हैं ना, खाने का भी हो गया और नाश्ते का भी है, तो दोनों के दरमियान का टाइम है, तो हमें समझ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, तो समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। रमान साहब देखते हैं कुछ वहीं पे जाके, मेरे ख्याल से देखने से तो पेट नहीं भरता, कुछ खाना पड़ेगा, खाएंगे ना। चलो यार चलते हैं किसी कैफे। और सर किसी कैफे चलते हैं, वहाँ जाके नाश्ता करते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि पूरी रूटीन आज जो होगी ना, आज पूरे दिन की ज़्यादातर सोने वाली होगी, वो भी साथ साथ हम कैफे करेंगे, ठीक है? चलो जी रमान साहब भागो यहाँ से। बात मैंने आपको बताई नहीं, आजकल हम इस पूरी कॉलोनी के जयकान छिक रहे हैं, क्योंकि कॉलोनी में कोई नहीं है आजकल खाली, कंट्रोल ये देख लो मेरे मोबाइल का बहुत ही सिनेमैटिक मूड जो है बहुत ही ज़बरदस्त कैप्चर हो रहा है, ये वाला सीन मैंने कहा ये कैप्चर करता हूँ उसके लिए से जगह पे। उसके अलावा यार मैं सोच रहा था कि हम लोग डबल रोड बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मी हाई है, और बजाय अगर हम इस्लामाबाद की तरफ चले जाए तो मेरे ख्याल ट्रक वगैरह के नीचे छाँव पर बैठेंगे, बैठना तो हमें ढाबे पर हैं, गरीब लोग हैं तो वहाँ जाके क्यों ना बैठे, वहाँ से ऐसा करते हैं ऐसे ही करते हैं। हम चलते हैं H9 उधर ही जाते हैं, उधर जाके ढाबा देखेंगे। खासकर में यह था वो बंद था, अगर बंद हुआ तो फिर वापस इधर ही आना पड़ेगा ना, तो फिर उधर ही बैठेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये हमने नाश्ता किया, चेक करें आप, हमें पिंडी की हॉटनेस चेक करें, हॉटनेस चेक करें, हम हॉट पिंडी हॉट, तो गर्मी तो ज़्यादा होगी ना। आप तो मैं दाता का नहीं होता, मानी का नहीं जाता फिलहाल, बस ये बिल्कुल यार। ये सारे गाड़ियों वाले हमारे इंतजार में ठहर गए थे, क्योंकि आपको पता है सेलिब्रिटी लोग इधर ऊपर से, हम आपको पता है हैकिंग वाला रास्ता जो है हमारे लिए हमेशा इंतज़ार कर रहा था, यहाँ से इस तरह से जाना पसंद करते हैं क्योंकि हम एक आधा मिनट पहले पहुँचने की कोशिश करते हैं, हालांकि टाइम उतना ही लगता है इधर से जाने में, लेकिन वो पाकिस्तानी है ना यार, इससे अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, आपको बता दें ये सारी नुमान की गलती है, वरना मैं सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, आपको पता ही है यार पाकिस्तान में रूल्स फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है यार, रूल्स है नहीं, रूल्स है ही नहीं, ऑन पेपर है बस, ठीक है जी। ये देख रहे हो इधर, अब आप देखने वाले हो सैफल मरूफ, अचानक से हम जो है नॉर्थन एरिया से पहुंच गए, ये चेक कर रहा हूँ, वाह सही माहौल है इधर है यार। ये वाला जो घर है ना, ये वाला ये मुझे पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरा अपना है, इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं समझना कि ये मेरा नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन हम यार इस्लामाबाद पहुँच गए, इस्लामाबाद की खूबसूरती और रावलपिंडी की खूबसूरती दोनों में आपको डिफरेंस तो साफ साफ नज़र आ ही रहा होगा, आप देखें तो इधर से भाई क्या करना चाह रहे हो। अच्छा यार उस यार मैं फुल टाइम एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, खूबसूरत खूबसूरत यार घर हैं इधर, आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा प्यारे वाले लोग जो काफ़ी ज़्यादा अमीर रहते हैं यहाँ पे, गरीब लोग कभी कभी यहाँ घूमने आ जाते हैं, हम जैसे घूमने आए हुए नाश्ता, देखो अमीर लोगों की जगह पे हम नाश्ता करने जा रहे हैं, इसका मतलब हम इससे ज़्यादा अमीर हुए, समझ रहे हो? ये चीज़ तो ये तो यहाँ पे रहते हैं ना, हम जाके देखते हैं यार कैफे का क्या सिचुएशन, इधर से तुम्हें मुड़ जाना भाई, जाना उधर जाके देखते हैं यार कैफे का क्या सीन है, बंद हुआ तो फिर जो हम पता ही लगा दिया यार। ये वाला रोड जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि इर्द गिर्द सारे के दरख्त ही दरख्त हैं, हालांकि इस्लामाबाद में और पिंडी में आज जो है मौसम का ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा मुझे, गर्मी है इधर भी और उधर भी, दोनों जगह की एक ही कहानी है, एक ही आवाज़ यार। जिस चीज़ का मुझे डर था मैं आप लोगों को बता ही रहा था, ये वाला ढाबा जो है बंद है, यहाँ पर बैठने में मज़ा इसलिए आता है इर्द गिर्द ये दरख्तों के नीचे ये लोग चेयर्स लगा देते हैं, और ये देख रहे हैं ये ढाबा भी बंद है, अब हमें कहीं और का सोचना पड़ेगा, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ सोच रहे हैं अभी, चलो उसी को करो। ये देखते हैं यार शिफा के पास भी एक आधा ढाबा है, लेकिन वहाँ पे यार नाश्ता इतना अच्छा मिलता नहीं, तो या तो हमें डबल रोड वापस जाना चाहिए, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि यही ठीक रहेगा, डबल रोड वापस चले यार शिफा वाले ढाबे पर, मुझे लगता है नाश्ते की लिहाज से सीन सही होगा, बाकी अगर कुछ खाने पीने का सीन करना है तो वो शायद कुछ सकता है,
यार ये मैं जरा सा सोच लूँ और आप ये खूबसूरती देख लो, इधर हर सेक्टर में हो गए हैं, पार्क समझ लो आप या फिर ट्रैक समझ लो, वॉकिंग ट्रैक समझ लो कुछ भी। इस्लामाबाद में सबसे बड़ी खूबसूरती जो इसी चीज़ की है यार, घर के सामने हर सेक्टर में पार्क वगैरह तो आपको मिल जाता है, खुला सीन है, ये बड़ा मज़े का है। शिफा इंटरनेशनल के पास हम पहुँच गए हैं, सामने इसके इधर जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ठीक है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और अच्छा वाला हॉस्पिटल है। तो ये आप लोगों को बताया सिर्फ मैंने इसलिए ताकि आप लोगों को रास्ता ढूंढना पसंद। यहाँ पे लोग वैसे बैठे तो हैं लेकिन यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मान साहब सीधा चलो, हम यहाँ नहीं बैठना पसंद करेंगे। इससे आगे एक है यार ढाबा, अगर मुझे वहाँ सूटेबल लगा बैठना, क्योंकि जैविस से मैं और गुलाब जिन आया करते थे आपको पता ही होगा, तो वहाँ बैठेंगे। शिफा भी देख लो थोड़ा सा, अगर वहाँ पे मुझे अभी लगा कि हाँ वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ नहीं रश नहीं, तो हम बैठेंगे वरना सूटेबल होगा। और ये भी ढाबा जो है बंद है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मस्जिद जलाला था और ये वाला ढाबा भी बंद है, तो हमें डबल रोटी लेना पड़ेगा। और नहीं समझ आ रहा क्योंकि यार दोनों ढाबे बंद है, तीनों ढाबे बंद है, इसके अलावा हम कहाँ जाएं, हमें फाइव स्टार होटल में जाना पड़ेगा यार, वो है डबल रोटी है तो वो भी क्वेटा ही, चलो जाके देखते हैं यार। फाइनली फाइनली हम जो है I-8 वाले क्वेटा में ही बैठ गए हैं क्योंकि हमने सोचा डबल रोड जाने से अच्छा I-8 वाले क्वेटा पे आपको दिखा दूँ कि काफ़ी सारा और जो इनका मेन्यू है, हर तरह इनके पराठे ही पराठे हैं, कौन कौन सा पराठा नहीं है यहाँ से मैं आपको पढ़ के बताना पसंद करूँगा। आलू पराठा, चीज़ पराठा, स्पेशल पराठा, आलू चीज़ पराठा, ये आलू वाला पराठा और आलू चीज़ पराठा अलग है, शहद पराठा, चॉकलेट पराठा, मक्खन पराठा, लच्छेदार पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, ये देखो अंडा पराठा, अंडा पराठा, ये आलू और अंडा दोनों पराठा, आलू अचार पराठा, अरबी चिकन चीज़ पराठा, फ्रूट पराठा, मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, नाम नहीं बोलूँगा आप लोग बोल हो जाओगे। और इनके पास चाय जो है वो भी दिखाना पसंद करूँगा, ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा चाय है, ठीक है, ड्राई फ्रूट चाय, कश्मीरी कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, स्पेशल दूध, स्पेशल लस्सी, एप्पल ग्रीन टी, गुड़ चाय, स्ट्रॉबेरी, ये बीज ग्रीन, ये बीज ग्रीन चाय, ये क्या चक्कर होता है यार, और उसके बाद ग्रीन चाय, मान ये चेक करो बीज ग्रीन चाय। आप लोगों को अगर इसके बारे में पता तो मुझे जरूर बताना, मुझे इस चाय का वैसे नहीं पता, और ग्रीन चाय का जो समझ आ गया, ग्रीन ग्रीन चाय की मुझे समझ नहीं। खैर अभी हम इंतज़ार करते हैं नाश्ते का, क्योंकि हमने जो है पराठे भी बोल दिए और चने भी बोलते हैं, यहाँ से नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके फिर जो कहानी होगी यहाँ से उठेंगे। हमान साहब थोड़े से परेशान है यार, ये बता दूँ, क्योंकि इनको सिर्फ यहाँ पराठे मिल रहे हैं, यहाँ पे रोटी नहीं है, इनके हालात थोड़े से ख़राब है। नहीं नहीं हालात ख़राब नहीं है सर, मैं रोटी से एंजॉय बना सही कर लेते हैं। ओ भाई खेलना नहीं होता, खानी होती है तो एंजॉय कैसे होता है, खाने से एंजॉय होता है ना यार, बंदे को जब वो होता है ना लजीज चीज मिलती है तो बंदा एंजॉय करता है ना। वो ये वाली बात मैं करने वाला था, जल्दी बोल, कल सुबह पलवेल निकलना है, बहुत लेट कर दिया तुमने। अरे नाश्ता जो है हमारा आ चुका है, मैंने कहा आप लोगों को ये दिखा दूँ, और ये वाले चने और ये आगे पराठे, ये गर्म होते हैं यार, ये जरा सोच समझ के खाने पड़ेंगे, चलो चट करके फिर आपसे मिलते हैं। चलो नुमान साहब क्या होते हैं, चेक करते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वाला नाश्ता करके हम वापस आ चुके हैं, और ये जो है एक अगर कोल्ड ड्रिंक हम ये भी लेके आए, कितने लेके, क्योंकि घर में जो है दूध काफ़ी ज़्यादा है और सिर्फ हम दो लोग हैं, तो हमने बना लिया है हमारे यार लस्सी कहते हैं लोग, क्या क्या कहते रहते हैं हमें नहीं पता, ठीक है, मिक्स करेंगे दूध छोटा बनाएंगे, और यार ट्राई तो हम करो ना, अभी दूध छोटा बनाते वो भी आपको दिखाएंगे वैसे बनाते हुए, उनको दिखा दूँ, ये देखो हमारे पास दूध जो है काफ़ी ज़्यादा मकदार में अवेलेबल है, ये चेक कर सकते हो, सारा का सारा फ्रीज हुआ तक है, और हमें फिलहाल वो कहते हैं ना जग मिल नहीं रहा तो हम इसके अंदर बना लेंगे। कौन है ये लोग, इसके अंदर चीनी लेके आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे किचन में, क्योंकि हम अगर किसी को दूध चाहिए तो हम सस्ते रेट में बेचना तो यार हमें वैसे कोई चीज़ें मिल नहीं रही, क्योंकि किचन में ज़्यादा हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, आते जाते नहीं होते, इस वजह से हमें सारी चीज़ें नहीं मिल रही। ये नुमान साहब जो हैं इसको ये मिक्स भी करेंगे और ये बनाएंगे, मैं सिर्फ इधर से बर्फ़ निकालूंगा, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ। हमारे घर के अंदर गोश्त भी कुछ भी नहीं है, हमने तो गोश्त रखा ही नहीं है, हमने तो सारा गरीबों में बांट दिया था, 1 2 3 4 5 छापर तो हमारे घर है ही नहीं, लेकिन मान तुम्हें मजे की बात बताऊँ, बर्फ भी नहीं, इसके अंदर बर्फ भी नहीं है भाई, ये तो हमारा ठंडा हो गया। चलो ये कुछ इस तरह का सीन कर सकते, कोल्ड ड्रिंक अंदर रख देते हैं ना यार, कोल्ड ड्रिंक रख दो ये ताकि थोड़ी सी ये वाली ठंडी हो जाए, यार इसके अंदर तो नहीं रख सकते ना, इसके अंदर भी आ जाएगा नीचे, हाँ इसके अंदर भी आ सकता है, लेकिन ये क्या चीज़ है यार, अच्छा ये बनाई है, वाह वाह रखो इसको, इसको जरा इधर रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए, उसके बाद स्कूल से पिए, चलो बना के मिलेंगे, ठीक है। यार हमारा जो है दूध छोटा वो हो गया तैयार, मैंने कहा आप लोगों को पहले तो ये दिखा लूँ, ये नुमान साहब ने सारी हरकत की है, अब ये खट्टा मीठा हो गया या नहीं हो गया वो एक अलग बात, नुमान दोनों ग्लास में डालो, और ये देख लो हमारा बिज़नेस चल रहा है, इसी वजह से हम यहाँ नीचे बैठे हैं ताकि ये इसके साथ चार्जिंग पे लग सके, और फ़ोन की जो बैटरी जो है वो बिल्कुल 0-0 हो चुकी है मेरे आईफोन की, और मैं अच्छा आप लोग परेशान हो गए कि इसके पास आईफोन तो है ही नहीं, आईफोन है, बाकी ये देखो ये चार्जर देख लो,
आईफोन वाला चार्जर लगा हुआ है ना वो भी ना एक भाई गाल है चार्जर तो मेरे को ले पिया मिलते हैं यार जरा इसका जरा ये गटा कहते नुमान साहब के काम देखो उसने सिर्फ अपने लिए डाला था तो मैं ये उठा के पी लेता अच्छा भी बना है और ठंडा भी है उसके बाद यार शाम में जाएंगे बाहर हम लोग जहाँ जाते होते हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं यार आज एक दो जगह नुमान साहब और मैंने कैरी के ऊपर जाने का डिसाइड किया है तो आपको गुलान के ऊपर सैर करते हुए दिखाएंगे इंशाल्लाह यार मैं हुआ था सोया और क्या कह रहे हैं नींद हम पूरी कर रहे थे अचानक इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ हुई मेरे को पता नहीं क्या हो गया फुल में से भी पानी आने लग गया लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आवाज़ किस चीज़ की थी ये चेक करें यार बहुत ही तेज़ जो है वो बारिश हो रही है इस टाइम पे मज़ा ही आ गया भाई इसको देख के एक अरसे इस्लामाबाद की रावलपिंडी की जो वो क्या कहते हैं गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं आपको बता ही रहा था रुमान साहब को देखो ये कह रहे हैं मैं सोच रहा था पानी कहाँ से आ रहा है कूलर के अंदर से पानी आ रहा था इस बारिश तेज़ की वजह से कहता मैं सोच रहा था मैं बेचारा नींद से उठा और ये पड़ा हुआ सोता रहा है उसको बंद नहीं किया इसने देखिए यार इतनी मज़े की बारिश मैं नीचे जाना चाह रहा हूँ भी सही और नहीं भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर की और हालत देख करो ठीक है क्या बात है यार छोटे छोटे बच्चे जो नहा रहे हैं मैं अपनी वीडियो भी बना लूँ बारिश के अंदर जाके और इन छोटे छोटे लाटुओं की भी मैंने मुझे देख नहीं रहे क्योंकि आगे पीछे मुझे जाना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए वो चेक कर सकते हैं आप लोग उनको भी देखें और यहाँ पे बारिश हो रही बहुत ही ज़्यादा मज़े की किराई मज़ा ही आ रहा है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली बारिश हुई है ताकि गर्मी जो है इस्लामाबाद की थोड़ी सी कम हो जाएगी ये चेक करें ना आप ज़रा खूबसूरत नज़ारे आज वैसे इस्लामाबाद में हर जगह स्टेटस है और बारिश देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है इससे ज़्यादा अंदर बारिश के अंदर वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि फ़ोन किया नहीं तो पानी नहीं यार बारिश जो है अब फाइनली रुक चुकी है तो मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया मैं आपको दिखा दूँ ज़रा यहाँ भी और यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो हमने आज निकाल लिया ये कैरी और हम इसके ऊपर थोड़ा सा इस्लामाबाद का ज़रा सफ़र करने वाले हैं मज़ा करने वाले हैं क्योंकि घर पर गाड़ी कोई है नहीं तो हम इसी के ऊपर बुलान के ऊपर ही जाएँगे इस्लामाबाद की खूबसूरती आपको दिखाते हैं बारिश के बाद कैसे जाती है उसके बाद आगे की सिचुएशन जो है देखते हैं यार ये देख रही हो ये सुजुकी बुलान जो है पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में चला रहा हूँ ठीक है ज़्यादा कहीं दूर हम नहीं जाने वाले हमने कहा थोड़ा सा मज़ा कर लिया इस्लामाबाद का पता नहीं क्या हो गया अच्छा मैं राशिद के एक्सप्रेशन देख कर ना मुझे हैरानी हो रही है कि यार ये क्या सोच के चला रहे कि यार मैं क्या कुछ प्लेन उड़ा रहा हूँ यार बहुत खुश हुआ मैं ऐसे लग रहा है जैसे वो कहते BMW चला रहा हूँ मैं ये चेक कर यार ऐसी BMW हम चलाते रहते हैं गांव में यार मेरे पास नहीं है भाई ये तो मेरे लिए पहली बार है इस्लामाबाद में सैलाब वाली सिचुएशन बनी पड़ी है मैंने कहा आप लोगों को ये जरा चेक करा दूँ ये देख रहे हैं फैज़ाबाद की तरफ जाते हुए हमारा मूड था ये थोड़ी देर हम ज़रा मज़ा कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा पानी है तो मैं ख़ुद हैरान हूँ इस रोड के ऊपर हालांकि मेन रोड है और सारा कुछ सेट होता है हमेशा इस रोड पे जब से ये वाला बाईपास बना है मेरे ख्याल से इसकी वजह से ये वाला जो पानी है ना जो ये बाहर निकल ही नहीं रहा इधर रश इतने हैं और वहाँ जाते जाते भी डर रही है वैसे हम भी गलत ही आ गए हैं हमें इस चीज़ का एहसास हो रहा है जाते हैं थोड़ी देर बैठ के वापस आ जाना वैसे भी पीछे आपको मैंने दिखाया इतना ज़्यादा पानी था इस्लामाबाद की तरफ यार ये बंद कर दो वरना योगा पीरियड का सीन होता है लेकिन यहाँ पे भी मौजूद तो ज़रूर है पानी लेकिन इस्लामाबाद की खूबसूरती जो है वो आपको दिख रही होगी अभी ऊपर से जाके इधर आपको एक आदत प्यारा सा व्यू दिखाएंगे आप हैरान हो जाएंगे यार इस्लामाबाद बारिश के बाद कितना ही खूबसूरत हो जाता है हमारा तो घूमना फिरना यार होता ही रहता है तो आपको भी हम लोग हम यही सोच रहे थे नुमान साहब आज पहली बार कैरी में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं ये देख लो इसको नुमान साहब जो चला रहे हैं वो खुद खुश हो रहे हैं बेचारा यार मुझे बड़ी खुशी हुई गाड़ी चला के मैं कभी भी नहीं चलाई खैर मैं तो ज़्यादा बैठा भी नहीं इसके अंदर पहली बार मैंने कहा ज़रा ये वाली सिचुएशन को देख लिया अब जो व्यू देखने वाले हो ना आप हैरान होने वाले हो आप यार हैरान होने वाले हो हकीकत बता ये वाला व्यू बस आप कहोगे वाह क्या ही बात है लोग जब पिक्चर्स भी वैसे बना रहे हैं सामने सामने वाले पिक्चर रुमान साहब हटना करा ये चेक करो जस्ट लुकिंग बैक का वाह वाला सीन है आवाम हमें देख रही है कैरी के अंदर बैठे हुए देखो हम हैं ऐसे वाले लोग हमारे फैंस इनकी बहुत है वो हमें सारे देख रहे थे और इधर भी चेक करो जरा वाह क्या व्यू ऑफ मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे इतनी प्यारी हवा है और इतना प्यारा व्यू है ना यार इस व्यू में ये सब कुछ है इस्लामाबाद के इस वाले व्यू के अंदर ये चेक करें जरा खूबसूरती चेक करो हम खुश अपनी कैरी के साथ नुमान के साथ इंजॉय कर रहे हैं फुल इंजॉय कर रहे हैं यार हम बस क्या ही बात है यही वाले नज़ारे जो है ना इस्लामाबाद के ये आपको कहीं भी नहीं जाने देते ये कहते हैं इस्लामाबाद ही रुके रहो यार हम बस हम यहीं तक ही आए हैं वैसे हम ये शकरपड़िया वाला जो रोड है वहाँ तक ही पहुँचे हमें आई बड़ी खूबसूरती देखते हैं उसके बाद कर यार व्लॉग मैं अपना ख़त्म करूँगा यहीं पे स्टेशन है मोहन कुत्ते तो दिखा कि ना ये सारे के सारे ये डॉग्स
स्टेशन वाले हैं। चलो वीडियो हम यहीं पे आज ख़त्म करें, मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था ताकि एंड में लोगों को डाल दो अपने वीडियो के अंदर, और उसके बाद जो है डालने की बात की है ना इसलिए। हाँ बस ये थोड़ा सा एहसास हुआ इसको। चलो यार वीडियो यहीं एंड करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं इस वाली वीडियो में बहुत मजा आएगा, पूरा दिन में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की और ये वाली दिखानी आपको ला दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।